बैंक्स की अगर मैं बात करूं तो SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है जहां पे बहुत सारे लोगों के अकाउंट हैं। अब आप भी अगर अपना अकाउंट SBI में ओपन कराना चाहते हो तो आप कैसे करा सकते हो, ऑनलाइन की ऑफलाइन, इंटरेस्ट रेट क्या होने वाले हैं, कितना बैलेंस आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, चार्जेस वगैरह क्या होंगे, ये सारी चीज़ों के बाद फिर आपको अपना अकाउंट SBI में ओपन कराना चाहिए या नहीं, ये सारी चीज़ें आज आपको मैं इस वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप SBI में सेविंग्स अकाउंट ओपन कैसे करा सकते हो। देखो उसके दो तरीके हैं। फर्स्ट, या तो अपने आसपास में SBI की कोई ब्रांच है वहां पे चले जाओ, वहां पे जाके आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो, लेकिन हो सकता है कि ब्रांच में आपको सर्विस अच्छी ना मिले। तो दूसरा बेस्ट ऑप्शन क्या है, दूसरा बेस्ट ऑप्शन है ऑनलाइन, आप अपने फ़ोन में अकाउंट ओपन कर सकते हो। कैसे, सिंपल सा तरीका है, आप अपने फ़ोन में प्ले स्टोर पर जाओ, वहां से एक ऐप इंस्टॉल करना होगा SBI योनो का। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब आप उस ऐप के अंदर जाओगे तो वहां पे आपको एक न्यू का ऑप्शन मिलेगा, न्यू पे टैप करोगे, ऊपर आपको सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे टैप करोगे तो आपको अंदर दो ऑप्शन मिलेंगे, विदाउट बैंक विजिट और विद बैंक विजिट। अब विदाउट जो बैंक विजिट वाला ऑप्शन है उसके अंदर आप जाके अपना अकाउंट ओपन करोगे तो वहां पे आपका इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट ओपन होगा। अब उसके अंदर क्या होगा कि आपकी ऑनलाइन वीडियो KYC होगी, आपको ब्रांच नहीं जाना होगा। लेकिन जो दूसरा वाला ऑप्शन है विद ब्रांच विजिट, उसमें जब आप अपना अकाउंट ओपन करोगे तो जब सारी डिटेल्स डाल दोगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पूरा फॉर्म फिल कर दोगे, तो उसके बाद आपको एक रेफरल कोड मिलेगा जिसे लेके आपको एक बारी ब्रांच में जाना होगा, तब आपका अकाउंट ओपन होगा। अब जो ज्यादातर लोग हैं वो जो सेकंड वाला अकाउंट है, ये रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है, इसको ओपन करवाते हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो जो इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट है विदाउट बैंक विजिट वाला, उसमें आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि आप ब्रांच में जाके कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, आपको चेकबुक नहीं मिलेगी और आपको बैंक प्री ऑफर में क्रेडिट कार्ड नहीं देगा। लेकिन जो विद बैंक विजिट वाला ऑप्शन है उसमें आपको कोई रिस्ट्रिक्शन देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अब आपको कौन सा ओपन कराना है ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन देखो अगर आप अपना एक प्राइमरी मेन अकाउंट ओपन करा रहे हो तो आपको जो विद बैंक विजिट वाला ऑप्शन है वो वाला अकाउंट आपको ओपन कराना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कोई दूसरे बैंक में मेन अकाउंट है तो आप कोई सेकेंडरी अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आपके जो इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब देखो इन दोनों अकाउंट में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। अगर आप विदाउट ब्रांच विजिट वाला ऑप्शन चूज़ करके अकाउंट ओपन करते हो तो सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। लेकिन अब हम आगे बात करेंगे सेकंड वाले ऑप्शन में, जहाँ पे आपको सिंगल ब्रांच विजिट करना होगा। जब आप उस ऑप्शन में जाके अपना फॉर्म फिल करेंगे अकाउंट ओपन के लिए तो आपको एक रेफरल कोड मिल जाएगा जिसे लेके आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा। आपको जो आसपास में ब्रांच है वहाँ पे आप चले जाएंगे, आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड साथ लेके जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए। जब आप वहाँ पे चले जाएंगे जो रेफरल कोड होगा आपके फ़ोन में उसे आप दिखाएंगे तो उस कोड से वो आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसेस करेंगे, आपके साइन ले लेंगे और आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। पहला सवाल आता है कि इंटरेस्ट रेट क्या होने वाले। देखो 2020 में कोविड के बाद बैंक ने बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 2.7% पर एनम होने वाले हैं, पहले ज़्यादा थे अभी कम हो गए हैं। अब बात करें कि आपको कितना बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तो देखो कोविड के बाद बैंक ने वो भी हटा दिया है। अब आपको SBI के सेविंग अकाउंट में कोई बैलेंस मेंटेन करके रखना नहीं होगा, यानी कि आपका जो अकाउंट है वो जीरो बैलेंस वाला होने वाला है। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आपको तीन चीज़ें मिलेंगी, पासबुक मिलेगी, आपको एक ATM कार्ड मिलेगा और एक चेकबुक मिलेगी। चेकबुक के बारे में बात करते हैं, फ्री में आपको 10 चेक लीव्स की एक बुक मिलेगी, यानी कि एक बुक के अंदर 10 चेक होंगे जो फ्री में आपको मिलेंगे एक साल के लिए। अगर आप वो यूज़ कर लेते हो, आपको और चाहिए तो 10 चेक की अगर आप बुक लोगे तो वो आपको ₹40 प्लस GST देना पड़ेगा, और 25 यानी 25 चेकबुक की अगर आप एक बुक लोगे तो उसके लिए आपको ₹75 प्लस GST देना पड़ेगा। अब लोगे कैसे, वो कैसे होगा, देखो वो आप अपने अकाउंट ओपन करने के बाद जो SBI की ऐप है उसके अंदर लॉगिन कर लोगे अपने यूज़र ID पासवर्ड से। अंदर जाके आपको रिक्वेस्ट चेकबुक का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेकबुक ले सकते हो, कितने पेजेस की आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर चूज़ करके अप्लाई कर सकते हो चेकबुक के लिए। अब देखो बात करें ATM कार्ड की कि वो कौन सा आपको मिलेगा। देखो स्टार्टिंग में बैंक आपको रुपे डेबिट कार्ड ऑफर करेगी, जितने भी गवर्नमेंट बैंक है वो सभी रुपे डेबिट कार्ड ऑफर करते हैं। अब ऐसा क्यों, देखो जो रुपे है वो इंडिया का पेमेंट नेटवर्क है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए बैंक स्टार्टिंग में रुपे डेबिट कार्ड ऑफर करती है। लेकिन अगर आप वीज़ा कार्ड वगैरह लेना चाहते हो तो वो भी आप अपग्रेड या रिप्लेस कर सकते हो। कैसे, आप अपने SBI का जो योनो ऐप है उसके अंदर जाएंगे, अंदर आपको डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पे जाके आप अपना जो डेबिट कार्ड है उसको अपग्रेड या आप चेंज कर सकते हैं, वीजा का चाहिए कौन सा चाहिए आप देख के उसको अप्लाई कर सकते हैं।
अब जो ATM है उससे आप एक महीने में कितनी ट्रांजैक्शन फ्री कर सकते हो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये डिपेंड करता है कि आप अपने अकाउंट में कितना बैलेंस मेंटेन करके रखते हो, तो इसको हम सिंपल तरीके से समझते हैं। देखो अगर आप अपने अकाउंट में 25,000 या उसके नीचे बैलेंस मेंटेन करके रखते हो और अगर आप SBI का ही ATM यूज़ करते हो तो वहाँ पे आप एक महीने में 5 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हो। उसके बाद अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और अगर आप अपने अकाउंट में 25,000 के ऊपर कोई बैलेंस मेंटेन करके रख सकते हो तो आप एक महीने में अनलिमिटेड कितने भी ट्रांजैक्शन SBI के ATM में कर सकते हो। अब बात करें हम SBI के अलावा अदर जो बैंक्स के ATM हैं उनमें आपको कितनी ट्रांजैक्शन फ्री करने के लिए मिलेंगी, तो देखो यहाँ पे ना मेट्रो सिटीज़ में अलग क्राइटेरिया है, बाकी जो सिटीज़ हैं उनमें अलग क्राइटेरिया है। तो बेहतर तरीके से समझने के लिए अब आप अपनी स्क्रीन पे देख लो कि कितना बैलेंस मेंटेन करने पे आपको किस सिटी में कितनी ट्रांजैक्शन फ्री मिलेगी। सारी चीज़ें आप लोग खुद आराम से रीड कर सकते हो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लो। नीचे मेट्रो सिटीज़ भी लिखी हुई हैं किस में कितनी ट्रांजैक्शन आपको फ्री करने के लिए मिल जाएंगी। अब क्विकली हम एक बार जल्दी से चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। SBI में सेविंग अकाउंट आप दो तरीके से खुलवा सकते हो, ब्रांच में जाके, दूसरा था ऑनलाइन। ऑनलाइन में आपको दो तरीके के अकाउंट मिलेंगे, इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट और रेगुलर सेविंग अकाउंट। इंस्टा प्लस आप तब खुलवाएंगे जब आपको सेकेंडरी अकाउंट चाहिए, रेगुलर सेविंग अकाउंट आप तब खुलवाएंगे जब आपको एक प्राइमरी अकाउंट चाहिए। अब इंटरेस्ट रेट क्या होने वाले हैं उसके बारे में हमने बात कर ली है, आपका जो अकाउंट है वो जीरो बैलेंस होने वाला है उसके बारे में हमने बात कर ली है, और चेकबुक के बारे में भी हमने बात कर ली है, ATM के चार्जेस क्या होंगे, कौन सा मिलेगा उसके बारे में हमने बात कर ली है। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे कि क्या आपको SBI में अपना अकाउंट ओपन कराना चाहिए या नहीं। देखो SBI एक बहुत अच्छा बैंक है, धीरे धीरे काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स मैंने देखे हैं। SBI को अगर मैं कंपेयर करूं प्राइवेट बैंक से, तो जो बड़े बड़े प्राइवेट बैंक है जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, तो इन बैंक्स में जो फैसिलिटीज आपको मिलती हैं वो अब काफ़ी हद तक आपको SBI में भी देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको प्राइवेट बैंक में भी मिलती हैं और SBI में भी मिलती हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम आपको SBI में आ सकती है जो कि है ब्रांच वाली। जो रूरल एरिया में ब्रांच है ना SBI की, वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी सर्विस नहीं मिलती, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। बाकी SBI में बाकी सारी अच्छी चीज़ें हैं, जो चार्जेस वगैरह हैं वो SBI में प्राइवेट बैंक से काफ़ी कम है। तो बिल्कुल आप SBI में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं, SBI एक काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट बैंक है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दी हैं। बाकी कुछ आप पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ऐसी और एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ देखने के लिए। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।